सो गाइस आईपीएल 2021 का बिगुल बन चुका है और गाइस कल हमें एक काफी बड़ी खुशखबरी वाली न्यूज मिली जब यहां पे चेन्नई के सीईओ ने साफ कर दिया है कि आईपीएल 2021 के सेकंड फेज जो होने वाला है वहां पे जॉस हेजलवुड खेलते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन गाइस अब सभी फैंस के मन में एक डाउट काफी बड़ा आ रहा है कि जब जॉस हेजलवुड आएंगे तो यहां पे क्या जेसन बेन ड्रॉप भी आने वाले हैं आईपीएल 2021 में खेलने के लिए। सो गाइस आपके जो डाउट है मैं क्लियर करने वाला हूँ और मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि ये दोनों खिलाड़ी आईपीएल 2021 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वो कैसे करने वाले हैं वो मैं वीडियो को आगे बताऊंगा। गाइस साथ में चेन्नई के प्रैक्टिस कैंप की जितनी सारी पिक्चर सामने निकल के आई हैं सब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ जो कि डे वन कल था। सो गाइस वीडियो को अभी लेके पूरा एंड तक देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल का सब्सक्राइब बटन होगा उसे फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मैंने आपको कल भी कहा था और कल काफी लोग लगभग 50 लोग जाके हमारे इंस्टाग्राम फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। मैं सभी का आंसर कर रहा हूँ और गाइस आप भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है फटाफट से जाइए वहां पे हमें फॉलो करिए हमें डीएम करिए और अपने जो भी क्वेरी आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। सो गाइस फटाफट से जाकर इंस्टाग्राम पे जरूर जाइएगा। फाइनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जॉस हेजलवुड के आने के बाद क्या क्या खूबी होने वाली है। तो गाइस जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो होने वाला है कि जॉस हेजलवुड काफी बेहतरीन फॉर्म में है। अगर मैं जॉस हेजलवुड की बात करूं तो आईपीएल 2021 से पहले अभी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच सीरीज हुआ था जहां पे ऑस्ट्रेलिया टीम 4-1 से हारी थी लेकिन वहां पे जो सबसे बेहतरीन गेंदबाज दिखे थे वो जॉस हेजलवुड ही दिखे थे। T20 आईज में क्या शानदार इन्होंने गेंदबाजी करी थी। इसी के दम पे इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह भी बनाई है वहां पे अपनी जगह भी कुत्ता किया है और गाइस यहां पे जो सभी चीजों का जो स्ट्रक्चर है वो साफ साफ ये कह रहा है कि चेन्नई सुपर किंग ने इन्हें अपने टीम में बुला के इन्हें अपने टीम में ला के काफी बेहतरीन काम किया है क्योंकि जॉस हेजलवुड इस समय काफी शानदार फॉर्म में काफी बेहतरीन फॉर्म में जिसका सीधा सीधा फायदा चेन्नई को होने वाला है क्योंकि चेन्नई को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होने वाली है गेंदबाजी में काफी ज्यादा जूझ रही है और यहाँ पे जॉस हेजलवुड का जो शानदार फॉर्म में आना इनके लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। सो गाइस पहली बात करने वाले हैं दूसरे चीज के बारे में और गाइस ये जुड़ी हुई है कि जो रिप्लेसमेंट खिलाड़ी होते हैं वो भी आईपीएल में खेलते हैं। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाता हूँ। आपको प्रसिद्ध कृष्णा याद है शिवम मावी के रिप्लेसमेंट के तौर पे केकेआर में जुड़े थे आज भी ये दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कमलेश नागरकोटी के जगह यहाँ पे संदीप वॉरियर जुड़े थे केकेआर की टीम में ये दोनों खिलाड़ी आज भी खेलते हैं यानी कि जो रिप्लेसमेंट खिलाड़ी हैं वो भी साथ खेलते हैं। तो यहाँ पे आपको साफ साफ अब अंदाजा लग रहा होगा खुश हुए हैं वीडियो को लाइक करिए चैनल सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस चीज से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जितने खिलाड़ी हैं जो विदेशी खिलाड़ी यानी कि जो जेसन बेन ड्रॉप है वो भी आईपीएल 2021 में खेल सकते हैं क्योंकि मैंने जो आपको दो बड़े जो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं उससे आप जरूर खुशी होंगे क्योंकि यहाँ पे जब दोनों खिलाड़ी आएंगे तो यहाँ पे चेन्नई की गेंदबाजी आप पता कर सकते हैं कितनी ज्यादा शानदार रहने वाली है क्या शानदार गेंदबाजी चेन्नई करने वाली है। और इन चीजों से मैंने आपको यहाँ पे पूरी तरीके से अब छोटा सा डायरेक्शन दिया है कि आगे क्या होने वाला है। सो गाइस पहली बात करने वाला हूँ चौथी चीज के बारे में गाइस ये जुड़ी हुई है चेन्नई की जो बॉलिंग प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से सॉल्व होने वाली है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पिछले पॉइंट में बताया था कि यहाँ पे दोनों खिलाड़ी आके ज्वाइन होने वाले हैं दोनों खिलाड़ी आईपीएल 2021 के सेकंड फेज में चेन्नई के साथ खेलने वाले हैं। और गाइस जब ये दोनों खिलाड़ी खेलेंगे तो आप अपने दिमाग में सोचिए क्या शानदार गेंदबाजी रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे लुंगी एनगिडी काफी लोग कह रहे थे अच्छे गेंदबाज हैं तो वो अच्छे गेंदबाज हैं। उसके बाद जेसन बेन ड्रॉप भी खेलने वाले हैं ये भी काफी ज्यादा शानदार गेंदबाज है। जॉस हेजलवुड शानदार फॉर्म में चल रहे हैं यहाँ पे सैम करन इनके साथ रहने वाले हैं दीपक चाहर साथ रहने वाले हैं यानी आप चेन्नई की अब गेंदबाजी का अंदाजा लगाइए कि सेकंड फेज में इनकी गेंदबाजी क्या ज्यादा शानदार देखने को मिली। और गाइस यहाँ पे आप पूरी तरीके से खुश हो जाइए क्योंकि यहाँ पे चेन्नई को एक तरीके से समझिए सजीवन बूटी मिल चुकी है क्योंकि इनकी बॉलिंग जो सबसे खराब थी वो अब इंटायरली काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो गाइस फाइनली मैं आपको अंतिम पॉइंट में आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि जेसन बेन ड्रॉप आईपीएल 2021 के सेकंड फेज में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अब यहाँ पे कोई हैमस्ट्रिंग की इंजरी ना हो यहाँ पे हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया एनओसी ना दे अगर ये चीजें सामने आती हैं तो ये हो सकता है कि जेसन बेन ड्रॉप ना खेले लेकिन गाइस अभी तक की डायरेक्शन ये साफ कह रही है कि यहाँ पे कोई भी अड़ंगा नहीं लगने वाला है। जो काफी लोग सोच रहे थे कि जॉस हेजलवुड आने वाले हैं
तो यहाँ पे जेसन बैन ड्रॉफ का दरवाजा बंद हो गया। ना ना ना, बिल्कुल ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, दोनों खिलाड़ी आगे खेल सकते हैं क्योंकि रिप्लेसमेंट जो खिलाड़ी होते हैं वो भी खेल सकते हैं, क्योंकि रिप्लेसमेंट जब लिया गया है तो उतने रुपए दे के उस खिलाड़ी को अपने टीम में लाया गया है, उनके बेस प्राइस पे उन्हें दे के अपने टीम में लाया गया है। तो इस तरीके पे ऐसा कोई भी चीज सामने नहीं आता कि ये खिलाड़ी नहीं खेल सकता, रिप्लेसमेंट हो चुका है तो ये दोनों खिलाड़ी आके खेल सकते हैं। अगर जो पहला खिलाड़ी था वो आके खेल सकता है तो रिप्लेसमेंट खिलाड़ी भी आके खेल सकता है, ऐसा कोई भी रूल आपके सामने नहीं आया है। अगर यहाँ पे अब काफी लोग कहेंगे कि सिर्फ 8 खिलाड़ियों का फॉरेन खिलाड़ी खेल सकते हैं लेकिन एज अ रिप्लेसमेंट वो 8वें खिलाड़ी में नहीं जुड़ा जाएगा, ये जुड़ा जाएगा टीम के स्क्वाड में। और इस तरीके से आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाइए कि ये दोनों खिलाड़ी आके यहाँ पे IPL 2021 में खेलने वाले हैं। और गाइस इस न्यूज से आप काफी ज्यादा खुश हुएंगे, लेकिन गाइस अभी वीडियो छोड़ के मत जाइए क्योंकि आगे जो आगे फुटेज आने वाली है वो दुबई में पहले प्रीसेशन का जो कि पूरी तरीके से नेट प्रैक्टिस हुआ था वो मैं आपको आगे फुटेज दिखाने वाला हूँ। सो गाइस वो भी आप जरूर देखिएगा, उसे देख के वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा क्योंकि इसी तरीके के अब सभी जो न्यूज रहने वाली है, सभी जो प्रैक्टिस कैंप रहने वाला है वो आपको रोज मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं और फुटेज देख के जरूर जाइएगा।